स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम, जो कि प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में हर साल आता है। और इस टॉपिक की खासियत ये है कि ये बहुत ही इजी है। अगर आप इसको, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप उस तरीके से अप्लाई करना सीख जाएँ तो कोशिश करता हूँ मैं आपको इस टॉपिक को समझाने की। देखिए, बेस एक होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, एक होती है प्रोबेबिलिटी का वो टॉपिक जो नॉर्मल होता है। यानी जैसे आपसे कहा जाए, एक बॉक्स है, उसमें चार रेड है, चार रेड बॉल है और सात ब्लैक बॉल है। तो एक बॉल निकाला जाए अगर, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप बोलेंगे चार रेड है, तो चार में से एक, 4c1 अपॉन 4 7 11 c1। तो ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दो बॉक्स हैं और दोनों बॉक्स में कुछ रेड बॉल्स हैं, दोनों में रेड रेड हैं, फिर आपसे कहा जाए कि एक बॉल निकाली गई, उसको देखा गया और उसका कलर रेड पाया गया, यानी आपको इवेंट का रिजल्ट पता है कि रेड बॉल दोनों में से किसी एक बॉक्स से निकाल ली गई। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल पहले बॉक्स से निकाली गई थी, या ये इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल दूसरे बॉक्स से निकाली गई थी। तो यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट जानने के बाद उसके पीछे जाकर किसी ऐसे केस को देखते हैं जहाँ से वो आई थी या आई होगी, तो वहाँ बेस थ्योरम लगाते हैं। यानी कि बेस थ्योरम हम लोग कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको पता हो, लेकिन ये ना पता हो कि उसका सोर्स, कई पॉसिबल सोर्सेज में से क्या था। एक और तरीका देखिए, जैसे मान लीजिए कोई टारगेट है और उसको ए और बी दो लोग हिट कर रहे हैं, तो ए भी हिट कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बी भी हिट कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब आपसे पूछा गया कि ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बता लेंगे क्योंकि वो 1/5, 1/6 दी ही हुई है। लेकिन आपसे कहा जाए कि टारगेट हिट हो गया दोनों में से किसी एक के द्वारा, यानी केवल कोई एक है जो टारगेट हिट कर पाया, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसको ए ने हिट किया है या इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ उसको बी ने हिट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगी बेस थ्योरम। यानी बेस थ्योरम वहीं पर रोल उसका आ जाएगा जहाँ पर हमको इवेंट का रिजल्ट तो पता हो, लेकिन सोर्स ऑफ इवेंट, वो इवेंट कहाँ से परफॉर्म हो गई है, ये ना पता हो। तो आइए इस एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। हमारे पास दो बॉक्स हैं, पहले बॉक्स में तीन रेड चार ब्लैक बॉल्स हैं। इन द फर्स्ट बॉक्स वी हैव थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स, इन द सेकेंड बॉक्स वी हैव फोर रेड एंड थ्री ब्लैक बॉल्स, वन बॉल इज सेलेक्टेड एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। यानी दो बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में से एक बॉल निकाली गई और फिर उसका कलर भी देखा गया और वो रेड पाई गई। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये रेड बॉल पहले बॉक्स से निकाली गई है या ये रेड बॉल दूसरे बॉक्स से निकाली गई है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये रेड बॉल पहले बॉक्स से निकाली गई होगी तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर ये दूसरे बॉक्स से निकाली गई थी तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में हम लोग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। आपके बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसको इग्नोर कीजिए। आप फॉर्मूला भले ही याद कर लीजिए लेकिन उसको अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि वो टफ पड़ जाता है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो रेड बॉल निकाली गई है वो पहले बॉक्स से निकाली गई थी, ये जो रेड बॉल निकाली गई है वो पहले बॉक्स से निकाली गई थी। तो आप सिंपली क्या कीजिए, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे उसको लिखिए न्यूमिरेटर में। यानी पहले आप दो बॉक्स में से ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इसमें से तीन रेड है तो इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हुई 3/7, क्योंकि पूरी है 3 4 7। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, पहले बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और क्यों लिखा, हमारा फॉर्मूला है जो इवेंट पूछी जाए उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ अपॉन में उस इवेंट के जहां जहां से हो सकने के चांसेस है वो सब, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम। तो यहां से रेड बॉल निकल सकती है पहले से, तो ये तो आप तुरंत लिख ही लीजिए क्योंकि ये तो हो ही सकता है, या प्लस, या के लिए प्लस होता है और के लिए प्लस होता है। दूसरे से रेड बॉल दो बॉक्स से इसको सेलेक्ट करेंगे तो 1/2। अगर आपसे कहा जाए दो बॉक्स हैं इसको सेलेक्ट करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और इंटू इसमें से आपको रेड बॉल निकालनी है तो
तो रेड बॉल इसमें कितनी है, चार, और टोटल फिर है सात, तो 4/7। यानी पहले बॉक्स से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो आप यहां से क्या लिखेंगे, पहले बॉक्स से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, और यहां क्या लिखेंगे, रेड बॉल जहां जहां से आ सकती है उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम। तो यहां पर होगा 1/2 × 3/7, यहां पे होगा, ये तो होगा ही, और प्लस इससे भी रेड निकल सकती है, तो उसका भी आप यहां पर आंसर लिखेंगे। अब ये देखो 3 2 × 7 यानी 14 से यहां भी और यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां 14 कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 बचेगा, ठीक है, और यहां पर 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा सारी 14, यहां पर 3 बचेगा और यहां 4 बचेगा यानी 7, तो इसका आंसर आया 3/7। अब आपसे कहा गया होता, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे ही दो बॉक्स हैं, एक बॉल इन दोनों बॉक्सेस में से एक बॉल निकाली गई और वो बॉल रेड पाई गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो दूसरे बॉक्स से निकाली गई है। तो अगर आप ध्यान दें तो एक तो इसका एकदम सीधा तरीका है, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, इसको 1 में से 1 माइनस 3/7 कर दीजिए, 4/7 आ गया। लेकिन अगर आपको सीधे बेस थ्योरम से लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे, आप लिखेंगे कि दूसरे से पूछा गया है तो दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखेंगे। अब दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इससे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 × 4/7 अपॉन 1/2 × 4/7 इससे, और प्लस 1/2 × 3/7 इससे, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 14 सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 4/7। तो इस वाले बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक टारगेट है, उस टारगेट को ए और बी दो लोग हिट कर रहे हैं, और ये आपको गिवन है कि ए के द्वारा टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, बी के द्वारा टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5, और ये भी गिवन है कि वो टारगेट हिट हो रहा है लेकिन बाई ओनली 1, यानी उनमें से कोई एक ही टारगेट को हिट कर पा रहा है, यानी एक हिट कर पा रहा है और दूसरा हिट नहीं कर पा रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो टारगेट ए ने हिट किया है, और ये आपको गिवेन है कि टारगेट हुट जो टारगेट है वो हिट हो गया है। तो अगर टारगेट हिट हो गया है तो इसको हिट कौन कर सकता है, ए और बी दोनों, तो हमको ए से पूछा गया है तो हम लोग ए के द्वारा टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे, और अपान में ए भी टारगेट को हिट करेगा ये लिखेंगे, या बी हिट करेगा ये लिखेंगे, यानी अपान में दोनों के द्वारा टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी का सम लिखेंगे। तो आइए इसको लगाते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो लोग हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि दोनों लोग किसी टारगेट को हिट करते हैं, दोनों के द्वारा टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी हमको दी हुई है। इसमें खास बात क्या होगी, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं करनी होगी, प्रोबेबिलिटी नॉर्मली इतनी ईजी होगी कि आप सॉल्व कर लेंगे। बेस थ्योरम की तो एक खासियत है, बेस थ्योरम की यही खासियत है कि इसके न्यूमेरिकल इजी बहुत होते हैं। क्यों बहुत इजी होते हैं, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं करनी होती, आपको बस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लगभग पता रहती है, बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो ए किसी टारगेट को ए हिट करता है, तो ए के द्वारा इसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अगर ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और बी के इसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए ने टारगेट को हिट किया, और ये गिवन है कि टारगेट हिट हो गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ए ने टारगेट हिट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ए ने टारगेट हिट किया 1/5, लेकिन बी ने नहीं किया होगा क्योंकि ये दिया है कि टारगेट किसी एक ने हिट किया है और सिर्फ ए ने किया है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ए एंड बी कैन हिट ए टारगेट विद प्रोबेबिलिटीज 1/5 एंड 2/5, इट इज गिवन दैट द टारगेट इज हिट बाई एनी वन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई एक ही टारगेट को हिट कर रहा है। तो अगर आप दिमाग लगाएं, ए ने टारगेट हिट किया तो बी ने नहीं किया होगा ना, वरना दोनों हिट कर देंगे, और दिया है कि एक ही हिट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1/5 ए ने हिट कर दिया तो बी ने हिट नहीं किया होगा, तो 1 में से 2/5 माइनस कर दीजिए, तो 1 में से 2/5 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3/5। अब आप बोलेंगे क्यों माइनस किए एक में से, अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी जोड़े तो 1 आता है, तो अगर होने की प्रोबेबिलिटी पता है 2/5, तो ना होने की कितनी होगी, 1 - 2/5 जो कि 3/5 आएगा। और अपान में ये तो आप लिखेंगे, ये तो आपने ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी लिख दी, या और क्या हो सकता है, बी हिट करे तो बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5, और ना हिट ना करने की कितनी होगी, ए के हिट ना करने की कितनी होगी, 4/5। देखिए ये है ए के द्वारा हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो बी हिट नहीं कर रहा होगा, ये वही लिखा है, और ये लिखा है बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी,
और उस वक्त ए हिट नहीं कर रहा होगा। अब देखिए ये 25 यहाँ सब में है, तो ये 25 हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 3 प्लस यहाँ पर 3, यहाँ प्लस 2 × 4 यानी 8, तो 3 + 8 यानी 11। तो ए के द्वारा इस टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/11 होगी। और ये जानने के बावजूद कि इस जानने के बाद कि ए ने या किसी एक ने हिट किया था, तो ए के द्वारा हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/11 होगी। अगर ये पूछा होता कि टारगेट हिट हो गया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बी ने हिट किया था, तो आप जान रहे हैं दो ही लोग हिट करेंगे ए अभी। एक तरीका ये है कि इसको आप 1 से माइनस कर दें, दूसरा तरीका ये है कि आप ये फॉर्मूला फिर लगाएं, फिर से लगाएंगे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप ये वाला टर्म लिखेंगे तो यहाँ 8 आएगा और ये अपॉन में वही आएगा यानी 8/11, जो कि आप 1 में से माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 - 3/11 = 8/11। तो ये हो गया बेस थ्योरम का 2 न्यूमेरिकल, जिसकी हेल्प से मैंने आपको ये समझाया कि बेस थ्योरम का न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाइएगा, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, ये बड़े क्वेश्चन में आता है और ये बहुत इजी होता है। इसमें आप ध्यान दें अगर, तो मैं बहुत कम कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हमारा आंसर भी आ जा रहा है, यानी आपको बेस थ्योरम के न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना पढ़ के जाना है कि किसी इवेंट को जानने के बाद इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर पूछे कि वो इवेंट दिए गए सोर्सेज में से कहीं एक से आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन में बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे और बेस थ्योरम की प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए फेवरेबल को लिखेंगे न्यूमरेटर में और उसके होने के सभी चांसेस को कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रोबेबिलिटी के सारे टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप इनको देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।